बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मारिया बचपन से ही एक सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलवी साहब की अकलौती बेटी थी। जब वो जवान हुई तो इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक रईस का बेटा इस पर अपना दिल हार बैठा था। वो खुद ऐसी महफलों की जीनत बनता था जहां शराब नोशी आम थी। इसके औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। जब इससे इसके दोस्त ने पूछा कि तू एक रंगीन मिजाज आदमी है, फिर तुझे इमाम मस्जिद की बेटी ही क्यों पसंद आई, इसने जवाब दिया कि ये सब चीज़ें तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर इनको मैं अपने घर की जीनत नहीं बना सकता। इसके दोस्त ने कहा, अगर तुम इस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर रईस के बेटे को गुस्सा आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा, मेरे मामूलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। रईस का दोस्त इसी के खर्चे पर ही पल रहा था। इसने दिल में सोचा कि ये तो अकल से अंधा है, अगर मैं इसे नाराज कर बैठा तो मेरा तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। रईस के बेटे से कहा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। रईस के बेटे ने अपनी माँ को इमाम मस्जिद के घर भेजा ताकि वो इसके रिश्ते की बात कर सकें। इमाम मस्जिद ने कहा, मुझे सोचने का वक़्त दरकार है, मैं अपनी बेटी की मर्ज़ी ज़रूर पूछूंगा। मौलवी साहब अपनी बेटी के पास आए और कहा, गांव के रईस की बीवी अपने बेटे के लिए हमारे घर आई थी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी पूछना चाहता हूँ। मारिया ने कहा, अब्बा जान वो एक अयाश और बदकार इंसान है, अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहते हो तो मैं ऐसे शख्स की शरीके हयात नहीं बन सकती। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी तुमने मेरी दिल की बात ही कर डाली, मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं है, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन के बाद रईस के बेटे ने अपनी माँ को दोबारा मौलवी साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। इसकी माँ वापस घर लौट गई और अपने बेटे को सब बता दिया तो इसका बेटा गुस्से से पागल हो गया। इसने अपनी माँ से कहा कि इस लड़की ने मुझे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं इसको ज़माने में जलील और रुस्वा कर दूँगा। इसकी माँ ने इसे समझाया कि बेटा अगर आज तुम एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की मुझे किसी सूरत भी इनकार ना करती। हमारे पास मालो दौलत भी है, एक अच्छा घर भी है, मगर एक औरत मालो दौलत और घर को बाद में देखती है, पहले वो ये चीज़ देखती है कि वो आदमी कैसा है जो इसका हमसफ़र होगा। इसके बेटे को अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा आया, सच्चाई सुनने का आदि नहीं था। एक दिन मारिया गली में से गुजर रही थी कि अचानक इसके सामने आ गया। इसने मारिया से कहा, अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने कहा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर वो किसी को जलील करना चाहे तो कोई इसे मौजिज नहीं बना सकता, और अगर वो किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा इसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर मारिया चली गई। वो मारिया को जलील करने का मनसूबा सोचने लगा। वो एक अजीबोगरीब मनसूबा बना रहा था कि वो खुद से ख़त लिखकर ये मशहूर कर देता कि ये तुमने मुझे ख़त भेजे हैं। कभी वो मारिया पे ये इल्ज़ाम लगा देता कि वो मुझे रात को अकेले में मिलने आती है, मगर गांव के लोग जानते थे कि ये सब इल्ज़ाम हैं। एक दिन मारिया मौलवी साहब अपने चाचा जात भाई की शादी में चले गए और मारिया की माँ भी इनके साथ थी। एक हफ्ते के बाद मौलवी साहब का खानदान वापस आया तो मालूम हुआ कि मारिया के पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ है। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास गए तो उन्होंने कुछ दवाइयां लिखकर दी और मौलवी साहब को तसल्ली दी कि जल्द ठीक हो जाएगी। 5 महीने के बाद मारिया को शदीद दर्द हुआ जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। मारिया का पेट फूल गया था। मौलवी साहब मारिया को दोबारा हकीम साहब के पास लेकर गए तो हकीम ने दावा किया कि मारिया हमला हो चुकी है क्योंकि पेट के अंदर बच्चा हरकत करता दिखाई देता है।
ये वो दर्द था जब अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और मारिया को लेकर घर रवाना हो गए। रईस का बेटा हकीम के पास आया और पूछा कि मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ है, तो हकीम ने रईस के बेटे को सब बता दिया। इसके बेटे की खुशी की इंतहा ना रही, वो तो इसी मौके की तलाश में था कि किसी तरह मारिया को बदनाम किया जा सके। इसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। इसने मरासी को बहुत सारे पैसे देकर कहा, सारे गांव में मशहूर कर दो, मौलवी साहब की बेटी बगैर निकाह के बच्चे की मां बनने वाली है। बहुत सारे लोग ये बात सुनकर मौलवी साहब के दरवाजे पर जमा हो गए। वो मौलवी साहब से हकीकत जानना चाहते थे, मगर मौलवी साहब का चेहरा देखकर सब समझ गए थे। उन्होंने मौलवी साहब को अमामत से हटा दिया और मुतालबा किया कि वो 2 दिन के अंदर अंदर गांव छोड़ के चले जाएं। मारिया अपनी माँ के सामने कसम उठाकर ये कहती रही कि मुझे किसी नामहरम ने हाथ तक नहीं लगाया। मौलवी साहब तलवार लेकर आए और मारिया का सर कलम करना चाहा, मगर इसकी माँ सामने आ गई। इसने कहा, मैं साबित करूंगी मारिया बेकसूर है। मारिया की माँ एक शोहरत रखने वाले हकीम के पास चली गई और जाकर हकीम को दिखाया। मारिया का पेट फूला हुआ है और मारिया के पेट के अंदर हरकत भी थी। इसने एक कमरे के अंदर कुत्ता जिबा किया और दूसरे कमरे में बकरा जिबा कर दिया। इसने बकरे के गोश्त से मौलवी साहब और इनकी बीवी और बेटी की दावत की। दावत के बाद हकीम ने मारिया से पूछा कि कभी तुमने बगैर बर्तन के कहीं से पानी पिया है? मारिया ने कहा, एक दिन हम शादी पे जा रहे थे, गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगी थी तो मैंने एक नहर से पानी पी लिया। हकीम मारिया को इसके कमरे में ले गया जहां इसने कुत्ता जिबा किया था। मारिया ने कराहत भरे लहजे में कहा, कुत्ता किस लिए जिबा किया है? हकीम ने कहा, तुम्हारा इलाज इसी वक्त ही मुमकिन था। तुमको कुत्ते का गोश्त खिलाया जाए, तुमने भी इस जो गोश्त खाया है वो कुत्ते का है। मारिया ने जैसे ही ये सुना तो इसका जी मतलाने लगा और एक जोरदार कह आई। इसके पेट से पहले बहुत सा पानी निकला, इसके बाद बहुत बड़ा मेंढक निकला। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा कि ये क्या माजरा है। इसने मौलवी साहब को बताया कि इस दिन जब मारिया ने नहर से पानी पिया था, इसमें एक छोटा सा मेंढा जो उस वक़्त टैडपोल की शक्ल में था पेट में चला गया। वो पेट में परवरिश पाता रहा और जब वो पूरा मेंढक बन गया तो पेट फूलना शुरू हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक औरत उम्मीद से हो। इसके बाद पूरे गांव वालों को जब इस हकीकत का पता चला तो पूरे गांव वाले मौलवी साहब से माफ़ी मांगने के लिए इसके घर आ गए। मगर इस वाक्य के बाद मौलवी साहब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया था। प्यारे दोस्तों, अपना कीमती टाइम देने का शुक्रिया। हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।